हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, बात करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में, जिसमें आज भयंकर गिरावट देखने को मिली। 6% की गिरावट देखने को मिली है, जो कि काफ़ी दिनों से शेयर इतना टूटा नहीं। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि काफ़ी गिरावट हुई। काफ़ी लोगों को उम्मीद थी कि क्वार्टर टू के रिजल्ट अच्छा आने के बाद शेयर में तेजी आएगी, तो काफ़ी लोगों ने बाय कर लिया था और अब लोग पछता रहे बाय करके, क्योंकि बाय करने के बाद में लगातार शेयर में गिरावट हो रही है और अभी 15.85 रुपीज़ पर पहुंच चुका है। 16 रुपये का भी लेवल तोड़ दिया है। फ्रेंड्स, एक बात समझिए, आप अकेले नहीं हैं जिसको लॉस हो रहा है। सभी के पोर्टफोलियो में लॉस हो रहा है, सभी शेयर्स गिरे हैं, ना कि ओनली ब्राइटकॉम ग्रुप। हाँ, ये बात अलग है कि ब्राइटकॉम ग्रुप में पहले ही लोग ऊँचे रेट में फंसे हुए हैं, तो उनका लॉस और ज़्यादा बढ़ चुका है, ये बात तो सही है। बट अभी इतना ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है कि कोई भी शेयर संभल नहीं पा रहा है। अच्छे शेयर्स में लोअर सर्किट लग गए और काफ़ी शेयर्स 8% 10% उससे भी ज़्यादा गिरे हैं। आज आप सबने देखा होगा, तो आसपास नज़र घुमा के देखिए तो आपको समझ में आएगा। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि अभी बाइंग मत कीजिए, एवरेजिंग मत कीजिए, वेट कीजिए। बट एक न्यूज़ आती है, लोग तुरंत बाय करना शुरू कर देते हैं, यही प्रॉब्लम है। अभी जिसके पास पैसा है वही पैसा बना पाएगा स्टॉक मार्केट में, मतलब फंड बचा के रखोगे तो ही आप अच्छे शेयर से जो है लॉस रिकवर कर पाओगे, नहीं तो लॉस बढ़ते ही जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। 37,000 शेयर्स की एमओ लगी हुई है सेलिंग के लिए। एनएससी बीएससी मिलाकर करीब 3 करोड़ 90 लाख शेयर्स का वॉल्यूम हुआ, जो कि डिलीवरी परसेंटेज अराउंड 30% का रहा। डिलीवरी परसेंटेज तो कम रहने की उम्मीद थी ही आज, क्योंकि ऑपरेटर लोगों ने उठाने की बहुत कोशिश की, बट इतना हेवी सेल ऑफ आ रहा था कि आखिर में उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए और शेयर आखिर में 6% माइनस में क्लोज हुआ है। हालांकि आरएसआई 30 पर है, बट अभी कोई मतलब नहीं है, आरएसआई इतना कम है, सभी शेयर्स के आरएसआई कम हो चुके हैं, ना कि ओनली ब्राइटकॉम ग्रुप के। और 15 रुपीज़ का एक स्ट्रांग सपोर्ट है। एक अगर मार्केट में और भी पैनिक का सिचुएशन रहा तो 15 रुपये तक एक बार शेयर जा सकता है और वहाँ से रिकवर भी हो सकता है। अब ब्राइटकॉम ग्रुप का मार्केट कैप ओनली अराउंड 3,000 करोड़ रह चुका है, जो कि एक बार 20,000 करोड़ जा चुका था। वो दुख की बात है कि लगातार शेयर में गिरावट हो रही है और अभी कोई पॉजिटिव न्यूज़ भी नहीं आ रही है कंपनी की ओर से, जिसके कारण शेयर में फिर से एक तेज़ी बने। आशा करते हैं कि मार्केट भी रिकवर हो और ब्राइटकॉम ग्रुप की कंपनी की ओर से भी कोई बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ आए, जिसके कारण जो इतना भयंकर लॉस बढ़ते जा रहा है वो कम से कम रिकवर हो और शेयर फिर से एटलीस्ट 19 रुपीज़ तक तो भी जाए, ऐसे हम लोग आशा करते हैं। तो अभी जल्दबाजी मत कीजिए, वेट कीजिए, जब तक स्ट्रांग रिकवरी नहीं आती है बाय करने के बारे में सोचना नहीं चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आप अपने हिसाब से स्टडी करके डिसीजन ले सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स।